हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरत्नाज। बायोरत्नाज में आपका स्वागत है और मैं हूं रत्ना सिन्हा। आपको आज पढ़ाऊंगी हाइड्रोपोनिक्स, क्लास 11 बायोलॉजी NCERT चैप्टर नंबर 12 में एक टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स, जो कि चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन के अंडर आता है। हम आज पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स। सबसे पहले, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक सिस्टम? और हाइड्रोपोनिक सिस्टम को जानने के लिए हम पहले पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और पोनिक्स का मतलब होता है वर्क। तो वर्क इन वाटर सिस्टम, यहाँ पर वर्क इन वाटर सिस्टम क्या चीज़ है? लेबर कर रहे हैं, पानी में लेबर हो रहा है। दैट इज़ ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन सॉइल लेस कल्चर। अगर कल्चर सॉइल लेस है तो लिटरली जो प्लांट है वो एक्वाटिक मीडिया में ही ग्रो किया जा रहा है। और अब इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स जो है, एक जर्मन बोटानिस्ट 1860 में इसे डिस्कवर किए थे। उनका नाम है जूलियस वॉन सैक्स। ये एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बहुत अच्छा एक कल्चर सिस्टम बनाया। डायग्राम को ऑब्जर्व करिए और यहाँ पर देखिए कल्चर सिस्टम, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कल्चर है। एक जार है और ये जो जार है इसको, इसके अंदर पानी है और पानी में पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मीडिया है। और ये जो न्यूट्रिएंट है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं, इन्हें चेक करके डाला गया है। और ये जार है, इसको ब्लैक कलर से कवर किया गया है। ब्लैक पेपर भी हो सकता है और क्लॉथ भी ले सकते हैं। ब्लैक कलर से इसलिए लिया गया है ताकि ये जो जार है जिसमें पानी है न्यूट्रिएंट के साथ, इसमें एल्गल ग्रोथ ना हो और जो रूट्स हैं उनका रिएक्शन ना हो सनलाइट के साथ। एक फनल है, डायग्राम में दिख रहा है, फनल है और एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जाएगा। और एक एजिटेटर है, एरिएटिंग ट्यूब है, एजिटेटर मतलब एरिएटिंग ट्यूब है, और इसमें एरिएशन क्रिएट किया जाएगा ताकि रूट्स को प्रॉपर एरिएशन मिल सके। अब कल्चर एक्सपेरिमेंट यूज़फुल किस लिए है? तो इसका बेसिक बेनिफिट ये है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स पता चल जाएगा। और रोल ऑफ दैट एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट, प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। और रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इन द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, आगे इसकी डेफिशिएंसी, अगर मान लीजिए किसी मिनरल को हम लेस कर देते हैं तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। टॉक्सिसिटी ऑफ जो हो है, टॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्सेस एलिमेंट है, किस तरह का टॉक्सिसिटी होता है प्लांट के लिए, वो कैसे ग्रोथ में रिटार्डेशन फैक्टर बनता है, इसका भी नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा। और इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, ये सब पता चल जाएगा। और रोल ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का भी यहाँ पर फंक्शन पता चल जाएगा। ये पूरा का पूरा कल्चर जो है ये बनाया गया है 100% प्यूरिफाइड वाटर में, और यहाँ पर सारा का सारा कंडीशंस को मेंटेन किया गया है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अब यहाँ पर वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, आगे देखिए कि वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट को भी किया गया ताकि हाइड्रोपोनिक्स को अच्छे से समझ लिया जाए। एक डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में ग्रोथ जो है प्लांट की बिल्कुल पुअर है, वेरी पुअर। व्हाई इट इज़ वेरी पुअर? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट जो है डायग्राम देखिए, जो कल्चर बनाया गया है इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट है। अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो वेरी लिटिल ग्रोथ। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ DNA, और यहाँ पर विटामिंस, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर वो कल्चर मीडिया जो है आयरन से लेस है तो येलो लीव्स है, इसका मतलब येलो लीव्स है, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, पिगमेंट फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है। और नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिख रहा है मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, पुअर ग्रोथ है और लीव्स जो हैं येलो हो जाते हैं। ग्रोथ क्यों हो रहा है पुअर? फोटोसिंथेसिस रुक रही है एंड मैग्नीशियम इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पिगमेंट जो है वो पिगमेंट अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है। जो लीव्स हैं एटियोलेटेड, यानी कि येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फॉस्फोरस जो है एब्सेंट अगर हो तो वेरी वीक शूट्स, और फॉस्फोरस के बारे में ऐसा है
कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं. एनर्जी रिलेटेड ऑल प्रोसेस यानी रिलेटेड विद फॉस्फेट, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू फॉस्फोरस ओनली. सो दिस इज द वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट. और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल जाएगा जिस भी मिनरल को हम लेस कर देंगे उसका डिफिशियंसी सिम्टम बड़े ईजिली हमें देखने को मिल जाएगा. अब इस जो हाइड्रोपोनिक्स है वाटर कल्चर, इसके एडवांटेजेस को एक बार देखते हैं. तो हायर यील्ड हो जाएगा स्मॉल प्लेस पर. और अगर मान लीजिए कोई ज़मीन है जिसकी टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जार में हम कल्चर कर लेंगे. और न्यूट्रिएंट को हम बहुत कंट्रोल मीडिया में रख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ब्लूम हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा. एक तरह का अगर आर्टिफिशियल लाइट दें तो इंडोर गार्डन भी है. और सॉयल बोन बेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज सॉइल का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, सॉइल होगा ही नहीं. वीड्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और प्लांट्स जो हैं हेल्दियर होते हैं. और यहाँ पे ऑटोमेशन को भी मेंटेन किया जा सकता है. अब इस अगर एडवांटेज होगा तो सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी आ जाएंगे. ये जो डिसएडवांटेज है काफ़ी कॉस्टली होता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, कैपिटल इसके लिए चाहिए, हाई लेवल एक्सपर्ट साइंटिस्ट चाहिए और डी फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिएंट मस्ट बी यूज्ड. और हो सकता है वाटरबोर्न कुछ डिजीज भी आ जाए. अब इसमें जो प्लांट्स सफलतापूर्वक जो हाइड्रोपोनिक्स में ग्रोथ हो चुके हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, बेसिल, बेसिल यानी तुलसी, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेटस.